हेलो पेरेंट्स वेलकम टू डेलोनिक्स पब्लिक स्कूल टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू टीच सिंपल इंग्लिश टू किड्स बच्चों को सिंपल इंग्लिश कैसे घर पे सिखाई जाए तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं दैट वी कैन फॉलो द फर्स्ट वन इज सिंपल लैंग्वेज बच्चों के साथ हमेशा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल वे कप चाइल्ड बेटा उठ जाओ अगर हम बेटा उठ जाओ की जगह छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम यूज़ करें तो बच्चा उसको लर्न भी करता है और वर्ड्स की मीनिंग को समझता भी है सेकेंड स्मॉल सेंटेंसेस बच्चों को कुछ भी सीखने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है इसी तरह से हमें बहुत ही स्मॉल सेंटेंसेस का यूज़ करके बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट आपको क्या खाना है को हम वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा चीज़ों को समझेगा और आपको रिस्पॉन्ड भी करेगा वो भी आपकी तरह इंग्लिश को लर्न करना सीखेगा थर्ड स्पीक स्लोली धीरे बात करना बच्चों के लिए जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ बोलने से उनको समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है इसलिए हमेशा धीरे बोलें फॉर एग्जाम्पल वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट जिससे कि बच्चा एक एक वर्ड का अच्छे से मीनिंग समझेगा और उसको आपको रिस्पॉन्ड करने में भी बहुत आसानी होगी फोर्थ सेम सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस का बार बार यूज़ करने से बच्चा उस सेंटेंसेस को लर्न कर लेता है और फिर जब आप वो किसी और से बात करता है तो वही सेंटेंसेस का प्रयोग करता है जिससे कि वो गलती भी नहीं करता और चीज़ों को समझ भी आसानी से पाता है फिफ्थ पॉइंट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है से एंड रिप्लाई जब आप बच्चे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि बच्चा भी इंग्लिश में ही आपसे रिप्लाई कर रहा है ऐसा ना हो कि वो हिंदी में बोले और फिर आप उस पर ध्यान ना दें बिकॉज जब वो बच्चा आगे जाके कि किसी और से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो वो इंग्लिश जानते हुए भी इंग्लिश में नहीं रिप्लाई कर पाएगा इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं पहला कि वो घबरा रहा हो दूसरा कि उससे सेंटेंसेस ना बन पा रहे हो तीसरा या फिर वो अब किसी से बात करने में हिचकिचा रहा हो तो ये उसकी हिचकिचाहट को दूर करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगा तो ये पांच पॉइंट्स है जिसको आप रोज़ घर में यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्पल डाउन टॉक सॉफ्टली गैराप डोंट शाउट ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स का प्रयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं और इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए कि बच्चे को अगर हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे मिल्क वाटर ये ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे ना कि दूध पानी खाना तो वो बच्चा इंग्लिश ज़्यादा जल्दी सीखेगा अक्सर हम सोचते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती हम खुद बच्चे को कैसे इंग्लिश सिखाएंगे तो हम बहुत सोचते हैं कि यहाँ इंस्टीट्यूट में डाल दे वहाँ करें तो ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी जब तक आप बच्चे से खुद नहीं बात करेंगे इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप छोटे छोटे वर्ड्स घर पर उसको इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करें